नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आलू उगाने के लिए जो मैंने मिट्टी तैयार की है, इस मिट्टी में गार्डन सोयल, गोबर की सड़ी हुई खाद और जो है सैंड, तीनों को बराबर मात्रा में लिया है। तो इस मिट्टी में मैं आलू लगाऊंगा। आलू को आप दोस्तों अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में भी लगा सकते हैं। जनवरी भर आप जो है आलू लगा सकते हैं, पिछेता आलू। और जो है आलू आप देख सकते हैं, इस तरह का एक साल पुराना आलू आपको जो है बीजों की दुकान पे या फिर सब्जी वालों के पास मिल जाएगा, जिसमें जो है अंकुरण शुरू हो गया हो। इस तरह से जहाँ पर ग्रोथ बढ़ रहती है वहाँ से जो है इसका अंकुरण शुरू हो जाता है। इस तरह का एक साल पुराना आपको आलू ले आना है इसको लगाने के लिए। तो लगाने के लिए आलू जो है आप ग्रो बैग यूज कीजिए, गमला यूज कीजिए, 10 से 12 इंच बड़ा ग्रो बैग या गमला ले सकते हैं। आलू को लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बच्चा भी लगा सकता है। और इस तरह से बस आपने गड्ढा करना है और आलू को लगा देना है। दोस्तों, जिस किसी में भी आप आलू लगाएं, उस बैग को या फिर गमले को जो है आप पार्शियल शेड में भी रख सकते हैं या फिर धूप वाली जगह पर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी छत पर पूरी तरह से धूप आती हो तो आप फुल सनलाइट वाली जगह पर ही रखिएगा आलू वाले बैग को या फिर गमले को। दोस्तों, ये जो वीडियो रहने वाला है ये पूरे अपडेट के साथ रहेगा। आलू को उगाने से लेकर के आलू बनने तक के हार्वेस्टिंग तक का जो है ये वीडियो रहने वाला है, तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। तो हमने दोस्तों इस एक ग्रो बैग में जो है 5 आलू लगा दिए हैं और अब जो है हम मिट्टी से कवर कर देंगे 5ों आलू को। और दोस्तों, जो भी केयर रहेगी या फिर जो भी फर्टिलाइज़र देना रहेगा, सभी का सभी अपडेट जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप जो है वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, स्किप कर करके ना देखिएगा। आलू को गमले में लगा देने के बाद जो है पानी देंगे। पानी दोस्तों इतना देना है कि 5 से 6 इंच की गहराई तक जो है पानी चला जाए, उससे ज़्यादा नहीं देना है पानी। और नेक्स्ट टाइम पानी आपने दोस्तों तभी देना है जब टॉप सॉइल जो है ड्राई हो जाए, अदरवाइज आपने पानी नहीं देना है। चाहे फिर 4 दिन बाद मिट्टी जो है ऊपर से ड्राई हो या फिर 7 दिन बाद हो। यहाँ दोस्तों तीसरे दिन के अपडेट में आप देख सकते हैं जो आलू के प्लांट हैं, जहाँ से अंकुरण प्रोसेस शुरू हुआ था वहाँ से आप जो है उगते हुए आलू को देख सकते हैं। ये दोस्तों 18वें दिन का अपडेट। 18वें दिन के अपडेट में आप जो है देख सकते हैं हमने जो आलू लगाए थे उनके प्लांट जो कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और मिट्टी आप देख सकते हैं अभी भी जो है गीली है। तो मिट्टी में आप जो मॉइस्चर बनाकर रखिए, लेकिन पूरी तरह से मिट्टी को कभी भी सूखने नहीं दीजिए। टॉप सॉइल के ड्राई होते ही तुरंत वाटरिंग कीजिए और जो है प्लांट को पूरी तरह से धूप वाली जगह पर रखिए। दोस्तों, इस ग्रो बैग में आलू लगाए हुए आज लगभग 1.5 महीना हो चुका है और आप देख सकते हैं प्लांट काफ़ी बड़े हो गए हैं आलू के और ये हैं खुद ही जो हैं ये गिर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसमें जो है फर्टिलाइज़र भी देंगे। और मैं पहले भी दो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है गोबर की सड़ी खाद का देते रहता था, तो आज मैं फिर से जो इसमें 0.5 किलो से ज़्यादा जो है गोबर की सड़ी खाद ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से बस मल्चिंग कर देनी है आपने गोबर की सड़ी खाद की। और जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप जो सप्ताह में जो है 1-2 बार ज़रूर दें, अगर आप जो है ग्रो बैग में अच्छी क्वांटिटी में जो है आलू चाहते हैं। और दोस्तों, खाद देने के बाद आपने पानी ज़रूर देना है। तो अभी मैं पानी भी दूंगा और जो है इन प्लांट को सपोर्ट भी दूंगा ताकि ये सीधे खड़े रहें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पानी भी दे दिया है और साथ में जो है इन आलू के प्लांट को सीधा खड़ा करने के लिए इस तरह से बाँस की हेल्प से जो है सपोर्ट भी दे दी है। सबसे पहले दोस्तों, आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी, नया साल जो है शुरू हो चुका है 2021। और हमारे इस ग्रो बैग में लगे हुए आलू को भी जो है लगभग 3 महीने का जो है समय हो गया है। और ये आप जो मिट्टी देख रहे हैं, मैं समर वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए पुरानी मिट्टी को जो है फिर से तैयार कर रहा हूँ खाद वगैरह डालकर। इसी वजह से जो हूँ मैं इस ग्रो बैग की भी जो हूँ मिट्टी आज निकालूंगा, आलू को हार्वेस्ट करूँगा और इस मिट्टी को भी जो हूँ अभी मैं तैयार कर लूँगा। तो अभी हम जो है जल्दी से इन ग्रो बैग में से जो है आलू को निकालते हैं और देखते हैं हमारे जो 3 महीने का लगभग जो है समय हो चुका है, अभी 4 दिन बाकी हैं 3 महीने पूरे होने में। तो देखते हैं कितने जो है आलू निकल कर बाहर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये जो सपोर्ट देने के लिए जो बांस लगाए थे इनको हम निकाल लेते हैं। और अभी दोस्तों, आज 1 जनवरी है, तो आप जो है अभी जनवरी के पूरे महीने भर आप जो है आलू को फिर से लगा सकते हैं ग्रो बैग में, मिट्टी में, गमले में, ज़मीन में या फिर कहीं भी। तो दोस्तों, जनवरी में भी जो है आप पिछेता आलू लगा सकते हैं और किचन गार्डनिंग के पर्पज़ से तो आप ज़रूर लगाइए जनवरी में आलू। तो मैं जो हूँ इस वीडियो को यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका जो है समय बर्बाद ना हो। अगर फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा चला जाएगा, 8-10 मिनट का जो है वीडियो बन जाए, इसलिए मैं यहाँ से वीडियो को जो हूँ फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जो पांच आलू लगाए थे उन पांच आलू में जो है लगभग 2.5-3 किलो के लगभग जो है आलू निकले हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों घर की छत पर ग्रो बैग में गमले में आलू लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।